अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और आज मैं शुरुआत कर रही हूँ इंस्टेंट इडली से, जो कि मैं बना रही हूँ सूजी, और इसमें बहुत ही कम चीज़ें यूज़ होती हैं। 1 कप सूजी आपको लेना है और एग्जैक्ट 1 कप आपको दही लेना है, और थोड़ा सा पानी मिला के स्लोली स्लोली, बेहतर हो तो पानी मिलाएँ, उसको अच्छा सा बैटर तैयार कर लें। जैसा कि इडली का बैटर होता है वैसे ही सेम। फिर जब अच्छे से मिक्स कर लें तो उसके बाद आपको 1 पाउच ऑफ इनो इसमें ऐड कर देना लास्ट में। और इसके बाद जैसे आपको जल्दी से इसको स्टर कर करके तुरंत ही इसको स्ट्रेट अवे इडली उसमें सेट में आपको इसको मूव करना है। देखिए आप इसको 1 बाय 1 आप इधर से अच्छे से इसको प्लेस कर दें। और इतना तो सभी को पता है कि स्टार्टिंग हम लोग को लास्ट से ही करनी है, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में करें तो इसका बैलेंस भी बना रहता है। और फिर इधर मैंने चटनी बनाई है पीनट्स की और कोकोनट की, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और फिर लास्ट में इसको मैं बघार देती हूँ करी लीव से और मस्टर्ड सीड से, तो इसका टेस्ट थोड़ा सा और भी अच्छा हो जाता है। और ये देखें एकदम मज़े की चटनी बन गई है, सांभर चटनी और इडली। ये हम लोग का आज का ब्रेकफास्ट था वीकेंड का, और बहुत ही टेस्टी है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। वीकेंड था तो हम लोग ने सोचा चलें शाम को चलते हैं कॉर्निश पे, थोड़ा सा वेदर भी अच्छा हो रहा है तो बच्चे चलते हैं, थोड़ा सा वहाँ इंजॉय कर लेते हैं। और घर पे बैठ बैठ के तो बच्चों की एक्टिविटी भी कुछ भी नहीं होती है, और यहाँ पे आए तो ये फुल्ली एक्टिव रहते हैं और थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है, जो कि लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे बैठे बच्चों को कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं तो वीकेंड में तो बच्चे अच्छा इंजॉय भी कर लेते हैं। और पर इतना ज़्यादा हॉट था, इतना ज़्यादा हॉट था, हम लोगों ने नहीं रियलाइज़ किया था कितना अच्छा उस दिन, स्पेशली वीकेंड में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई थी, तब भी एट लीस्ट बच्चों ने हाफ एन आवर तो अच्छा इन्जॉय किया था। ये देखिए यहाँ पहुँचते ही इनको ढूंढना पड़ जाता है कि ये किधर गए। अफान को देखें, ये पूरा क्लाइंब अप कर रहे हैं इधर से। ये काफ़ी बच्चे थे, ऐसा नहीं है अच्छा मौसम। हम लोग थोड़ा अर्ली चले गए थे अराउंड 4 o'clock, क्योंकि शाम हो जाती है 5-6 o'clock तक, तो इतनी रश हो जाती है कि आप फ्रीली प्ले भी नहीं कर सकते। और अभी थोड़ा तो हम लोग को खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग का को फॉलो करना चाहिए, गवर्नमेंट ने तो कर दिया है, पर बच्चों के लिए थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेहतर ही है। ये देख फुल इन्जॉय हो रहा है, फिर इधर इन लोग को ढूंढना पड़ता है कि इधर किधर गए। नुमान इधर है सीसो पे, फिर इधर अफान भी पहुँच गए। ये काफ़ी ज़्यादा हॉट था, इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी कि उतना हम लोग ने इन्जॉय भी नहीं किया, पर बच्चों को तो घर भी जाने का यही दिल कर रहा था। उधर इतनी रश तो नहीं थी तभी, वो तो इतना ज़्यादा स्वेटी हुआ है, पर अभी भी घर जाने का दिल नहीं कर रहा इन लोगों का। कि आप इधर इतना, पर सही में इतना रिफ्रेशिंग लगता है इधर इन सब देख करके। आप इधर इनका यहाँ का सी देखिए, इतना ज़्यादा क्लियर वाटर है, इतना ज़्यादा क्लियर वाटर है कि आप इजली फिशेस देख सकते हैं, और इतनी ब्यूटीफुल फिशेस थी, कलरफुल देखें आप ये। और हम मैंने सोचा ले इसकी भी वीडियो बना ही लेती हूँ, बहुत प्यारी फिश थी कलरफुल। और इधर देखें, इधर पूरा वेदर आप देखें, इधर पूरी क्लीनिंग भी चल रही थी। और यहाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हर चीज़ की इतनी साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि बेंच को वो प्रॉपर तरीके से वॉश करते रहते हैं, सैनिटाइज़ करते रहते हैं, कि हमें भी अच्छा लगता है। यहाँ पर वैसे यजान को थोड़ा सा शेडो में लेके गए कि देखिए थोड़ी धूप थी, 4 o'clock हो रहे थे और वो बेचारा परेशान था गर्मी से। अब इन लोगों को भी हैबिट हो गई है एसी की, तो इन लोगों को बस एसी वाला ही, या तो मॉल हो, इस तरह की चीज़ें हों, वही इन लोगों को अच्छा लगता है। ये बेचारा बहुत ज़्यादा झेल गया था यजान को, यजान सबसे ज़्यादा बेचारा बोर हो रहा था। बस हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि नहीं चलते हैं, अब काफ़ी देर भी हो चुकी है, और ये इतनी ज़्यादा ये अभी इतना गर्म में प्ले करेंगे तो फिर इनको ये सिक भी हो जाएंगे, क्योंकि जब हैबिट नहीं है आपको इतना ज़्यादा गर्म में रहने की, तो फिर वो ठंडा गर्म होना शुरू हो जाता है, फिर सडनली आप जाएंगे एसी में बैठेंगे। पर बच्चे वैसे भी सैड हो जाते हैं कि नहीं अभी तो इनको कम से कम 2-3 घंटे यहाँ खेलना था, पर अभी एटलीस्ट नेक्स्ट मंथ तक थोड़ा वेदर अच्छा हो जाएगा तब कॉर्निश में आने का बेहतर रहेगा। अराउंड दिसंबर तक काफ़ी बेहतर हो जाएगा मौसम यहाँ का। अभी अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर में थोड़ा ज़्यादा ही गर्म यहाँ पे होता है, जद्दा में तो स्पेशली, वैसे तो और सब जगह तो ठंड भी शुरू हो गई है हल्की हल्की सी। तो हम लोग ने वैसे कहा कि नहीं, अब इन लोग को प्रॉमिस किया कि भैया नेक्स्ट मंथ से फिर हम लोग आएंगे कंटिन्यूली, चलते हैं। बेचारे नहीं जाना चाहते हैं देख करके ही, अब क्या कहे।
यजान देखें आराम से अपना कार में बेचारा, अब जाके उसको इंजॉय हो रहा है, एसी की हवा मिल गई तो अब जाके वो खुश है, अब जाके मज़े कर रहा है। फिर इसके बाद हम लोग चले गए थे मनारा मार्केट की वेजिटेबल मार्केट, बहुत अच्छी वेजिटेबल्स यहाँ पे मिलती हैं, फ्रेश होती हैं, और तो हम लोगों ने सोचा चले थोड़ी वेजिटेबल्स ले लें, पूरे वीक्स के लिए ले लें तो बेहतर होता है, और यहाँ अच्छी भी मिल जाती है। पंडा उंडा में तो इतनी अच्छी, और हम लोग के जो इंडियन सब्ज़ियाँ होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं मिलती, और यहाँ पर आपको अपनी सारी अपने हमारे टेस्ट की सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं, जो कि लेके हम लोग स्टोर कर लेते हैं पूरे वीक के लिए। और ये देखें, लौकी से है, पालक है, सब काफ़ी अच्छी और फ्रेश वेजिटेबल्स इनके पास होती हैं। थोड़ी सी प्राइस का डिफरेंस होता है पर बेहतर है। और अब मैं और यजान अपना कार में बैठ करके इंजॉय कर रहे थे, अब हर जगह तो उसको लेकर के मैं नहीं उतरती हूँ, बेहतर है। फिर हम लोग घर आ गए थे, फिर हम लोग ने अलबैक ले लिया था डिनर के लिए, क्योंकि रात हो चुकी थी, और फिर हम लोग ने सोचा अलबैक लेकर के घर चल के फिर इसी को इसका डिनर करते हैं। वीकेंड में थोड़ा कभी कदार तो अच्छा ही लगता है बाहर के खाने। और ये था नगेट्स, बच्चे जो हैं वो नगेट्स प्रेफर करते हैं, और परवेज़ ब्रोस्ट ईट करते हैं अलबैक का, और मेरा तो हमेशा कह रहा है कि मैं सिर्फ एक सैंडविच खाती हूँ वहाँ की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरे लिए काफ़ी होती है। और अलबैक तो भाई यहाँ का सऊदिया का बेस्ट है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और फुल सपोर्ट करें। थैंक यू।